सुमेर सागर ताल पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाकर उसे खाली कराया जा रहा है। इसी के साथ अभिलेखों की जांच भी की जा रही है। सुमेर सागर ताल को मूल रूप देने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। ताल पर सभी तरह के अतिक्रमण को हटाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसके संबंध में SDM सदर IAS गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि मंडलायुक्त के साथ बैठक हुई है, जिसमें कमिश्नर ने GDA से स्पष्टीकरण मांगा है। SDM सदर ने बताया कि सुमेर सागर ताल का आर्किटेक्ट के साथ मिलकर डिजाइन फाइनल कर दिया गया है, जल्द ही ताल को भव्य रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, आज सुमेर सागर पे अभिलेखों की जांच हो रही, लगभग तैयार हो गई है और हम इस तालाब को अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और किसी भी तरीके का कोई भी अतिक्रमण है सबको हमने लगभग हटा दिया गया। आज भी अतिक्रमण वहाँ पर हटाए गए और कमिश्नर सर के साथ हमारी बैठक भी हुई थी। सर ने लेटर भेजा है नगर निगम GDA को, वहाँ उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और हम जो हमारा जो ताल का अस्तित्व था आज आर्किटेक्ट के साथ हमने डिज़ाइन फाइनल कर दिया है। ताल का कैसा रहेगा, कितना वो कैचमेंट एरिया रहेगा, कितना ताल का पूरी एरिया रहेगा, कितना रनिंग जॉगिंग ट्रैक रहेंगे, क्या लैंडस्केपिंग रहेगी, कितना कैसे वाटर स्टोरेज रहेगा, कैसे जल भराव ना हो, इसके लिए कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड और सिंचीवाल मॉडल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, सभी को समेटे हुए यह हमारा पूरा लेआउट तैयार हो गया है और आगामी दिनों में इस पर काम चालू हो जाएगा। खुदाई का काम तो स्टार्ट हो गया है, हम तालाब को अपने मूल अस्तित्व में ला रहे हैं और इस पर पूरा युद्ध स्तर पर काम स्टार्ट हो चुका है।